ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है पापा को पढ़ाना। लेखक अमृताश मिश्रा, प्रकाशक प्रथम बुक्स टीम। अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बाद दिया घर लौटी है। पापा, उसने जोर से आवाज दी। पापा दौड़ के रसोई में घुस गए। उन्होंने जल्दी से एक टोकरी मटर उठाई और उन्हें छीलने लग गए। पापा कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए दिया ने तय किया कि वही उन्हें पढ़ाएगी। सारे विषयों में से पापा को भूगोल सबसे अच्छा लगता था। उन्हें खेती बाड़ी से जुड़ी बातें पसंद थी। मिट्टी, फसल, वर्षा, नदी और मानचित्र। मगर आज गणित की बारी थी। पापा, आप यूं गणित से भाग नहीं सकते, दिया ने कहा। पापा मटर छीलते रहे। गणित बहुत जरूरी है पापा, आज हम भाग सीखेंगे। दिया, क्या तुम देख नहीं रही मैं कितना व्यस्त हूँ, पापा ने कहा। गणित के दिनों में पापा हमेशा ही व्यस्त हो जाते थे। उन्हें अचानक ही घर की सफाई, दीवारों को रंगना या दूर के रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखना याद आ जाता था। मुझे अभी रात का खाना पकाना है, पापा ने कहा। ठीक है पापा, मैं मदद करती हूँ आपकी। कुछ मटर मुझे दे दे, दिया ने कहा। पापा ने उसे आधे मटर दे दिए। देखा पापा, आपने अभी भाग किया, दिया ने कहा। उसने सारे मटर गिने, कुल मिलाकर 20 मटर के छिलके थे। आपने उन्हें दो हिस्सों में बांटा, मतलब हर हिस्से में 10 आए। अब अगर मैं इन 20 छिलकों को बराबर 4 हिस्सों में बांटूं, मुझे हर हिस्से में 5 मिलेंगे। देखिए यहाँ, छिलकों को 4 हिस्सों में बांटते हुए दिया ने कहा। 20 को 4 से भाग किया जाए तो 5 बनते हैं। यह तो मुश्किल नहीं है, पापा ने कहा। नहीं पापा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम तो समय का भी विभाजन करते हैं। सुबह हमें 30 मिनट मिलते हैं शौचालय के लिए। 30 मिनट को अगर 3 से विभाजन करें तो 10 मिनट बनते हैं। सो आपको, माँ को और मुझे, हर को 10 मिनट मिलते हैं। मगर तुम 10 मिनट से कई ज्यादा समय लेती हो और मुझे कम समय में काम चलाना पड़ता है, भाव चिढ़ाते हुए पापा ने कहा। दिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर भाग करने का मतलब है बराबर हिस्सों में बांटना। वैसे काम का भी विभाजन हो सकता है। मान लेते हैं कि हमें खाने के लिए 3 चीजें बनानी हैं, तो हम में से हर कोई एक एक बना सकता है, दिया ने आत्मविश्वास के साथ कहा। दिया ने देखा, पापा का चेहरा खिल उठा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने एक छोटा सा युद्ध जीत लिया हो। मगर आज मैं तीनों चीजें पकाऊंगा, पापा ने शरारत से कहा। वो इस कोशिश में थे कि गणित के जो कार्य इसके बाद उन्हें करने को दिए जाने वाले हैं, उन्हें किस तरह टाल दें। दिया हंस पड़ी। मगर मुझे भी पकाना है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि काम को आपस में बांट लेते हैं। सो मैं एक बनाऊंगा और तुम एक, और जो तीसरी चीज बच जाएगी पकाने को, उसका काम हम आपस में बांट लेंगे,
क्यों, सही कहा ना मैडम? सही कहा छात्र, दिया ने कहा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और मजेदार कहानियों के लिए आप सुनते रहिए किड्यान, सपनों की उड़ान।